सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। और जिस वीडियो का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था वही वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो जल्दी से अपने कीमती 2 मिनट हमें दे दीजिए। सभी बच्चे जानना चाह रहे थे कि मैम बिहार सुपर टेट में हिंदी में क्या क्या आएगा, क्या क्या अभी आया जो पेपर हुआ है। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। आज के पेपर में सिर्फ और सिर्फ व्याकरण ही आई थी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण आई थी आज के पेपर में। और जो 100 मार्क्स के पेपर थे, ठीक है ना, 100 मार्क्स का आपका पेपर था हिंदी का, उसमें केवल और केवल व्याकरण में जो मुख्य विषय आए थे वो कौन कौन से थे? अलंकार, काव्य रस, काव्य गुण, वाच्य और छंद। इनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। और आपको याद होगा कि मैंने आपको काव्य रस, काव्य गुण और अलंकार के ऊपर अभी 2 दिन पहले ही पूरा डिटेल सेशन करवाया था, एक एक चीज आपको समझाई थी। वही सारे प्रश्न आए हैं। छंद के ऊपर हमने आपको बताया था, यमाता राज भानस लगा, कैसे आपको गणों की गणना करनी है, यगण मगण तगण भगण जगण। और साथ ही साथ छंद के नियम क्या होते हैं, छंद से संबंधित प्रश्न करवाए थे। और जैसे अगर आपको काव्य पंक्तियां दी गई हैं तो उसमें कौन सा छंद है वो आपको मैंने करवाया था, वो भी आपको आज पेपर में आया है। साथ ही साथ जैसे अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उसके प्रकार क्या है, उसकी सही ट्रिक्स क्या है, शॉर्टकट्स, ठीक है ना, सारी चीजें आपको बताई थी। सारा कुछ पेपर में आया है, यही सारे मुख्य विषय थे आज। साथ ही साथ जैसे अलंकार का एक प्रश्न आया था, रही मन पानी राखिए, कितनी बार आपको बताया था कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। इसमें कौन सा अलंकार था? इसमें श्लेष अलंकार था, क्योंकि पानी को, एक ही शब्द को 3 संदर्भों में दिया गया था। तो उसी प्रकार से काव्य रस के भी प्रश्न आए थे। काव्य रस के जैसे कि आपने जो भरत मुनि है, भरत मुनि के अनुसार कितने काव्य रस थे, मम्मट के अनुसार कितने काव्य रस थे, ये सारे के सारे प्रश्न आज के पेपर में आए हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे 2-3 दिन के पिछले वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हैं। जिन बच्चों का कल पेपर है सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और गणों का मैं आपको फिर बता दूं, 3 वर्णों का एक समूह होता है, एक गण कहलाता है। यमातराज भानस लगा, रट लीजिए इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि यमातराज भानस से ही आपको पता चलेगा कि 8 गण होते हैं। कौन कौन से? य से यगण, मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। ये ल और ग लघु और गुरु के लिए होता है, तो केवल 8 गण होते हैं। और साथ ही साथ इनका नियम क्या होता है, आपसे नियम भी पूछे गए हैं कि जैसे किसमें 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो 2 गुरु वर्ण किसमें? यगण में है, साथ ही साथ तगण में है, साथ ही साथ रगण में है। तो इन सभी में आपके 2-2 गुरु वर्ण है। तो इन सभी चीजों को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पेपर में आपके पास ये सभी कुछ आ सकता है। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरी जो है वो जरूर लिखिए, हम अभी के अभी उसे सॉल्व करेंगे। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।